हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन और मैं एक प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केरीज के बारे में। ये 12 से 18 मंथ के बच्चों में होने लगता है। इसे रैम्पेंट केरीज या नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं। आजकल ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन गया है। आखिर ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर करके बच्चों में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ सुगर लिक्विड की वजह से होता है। जो सुगर होता है वो दांतों पे चिपका रह जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस बैक्टीरिया से इंट्रैक्ट करके केरीज बना देता है। और ये जो केरीज होते हैं ज़्यादातर करके स्मूथ सरफेस पे होते हैं। ये होने का कारण क्या है? बेबी जब बॉटल से मिल्क, जूस या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें सुगर कंटेंट हो फीडिंग करते करते सो जाता है, तो क्या होता है कि जो स्वीट बेबी रेज होते हैं वह बेबी के टीथ पर अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ टूथ डिके होता है। तो फ्रेंड्स, फिर इसे पहचाने कैसे? तो ये 3 स्टेज में होते हैं, इनिशियल, मॉडरेट एंड सीवियर। जो दांतों की ऊपरी सरफेस होती है उसे इनामिल कहते हैं। इनिशियली क्या होता है कि जो इनामिल होती है वो डीमिनरलाइज, डल एंड वाइट दिखने लगता है। वही चीज़ मॉडरेट स्टेज में क्या होता है कि जो कैविटी होती है वो येलो और ब्राउन दिखने लगता है। एंड लास्ट जो होता है वो सीवियर स्टेज होता है। सीवियर स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे जो टूथ के क्राउन पोर्शन होते हैं वो टूट जाते हैं। जो जड़ होता है वो मसूरों में ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से पेन होने लगता है। ये ज़्यादातर करके मैक्सिलरी फ्रंट टीथ में ही सबसे पहले दिखता है। एंड इसे बचाए कैसे? सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स बेबी को सुलाते वक्त मिल्क बॉटल फीडिंग के लिए ना दें। फीडिंग के बाद क्लीन, साफ, सॉफ्ट कपड़े से बेबी के गम्स को क्लीन करें। फर्स्ट बर्थडे से ही बेबी को मिल्क कप या ग्लास से ही पिलाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि बेबी को सुलाते वक्त मिल्क बॉटल की जगह क्लीन पैसिफायर या सॉफ्ट टॉयज ही दें। बच्चों के लिए फ्लोराइड कंटेंट वाला ही टूथपेस्ट यूज करें। फ्रेंड, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक फ्लोराइड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं इनिशियल स्टेज के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लोराइड एप्लीकेशन कैसे होता है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको इसका डिटेल में वीडियो दूंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।